भंगी बन करके है, नकली 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 भंगी बन करके, नकली भंगी बन करके है, 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 नकली भंगी बन करके है। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। सपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता के कार्यक्रम में उड़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां। गांव गांव दलित संवाद कार्यक्रम में दलितों को किया शर्मिंदा। नए नए समाजवादी बने हरिओम दयाल ने समाजवादियों की शाख को किया धूमिल। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। और ये खबर है हमारे संवाददाता देवराज सिंह की। आवाज विकास स्थित उत्सव गेस्ट हाउस में सपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता द्वारा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी का स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें कई दिग्गज समाजवादियों की छवि धूमिल हुई। जी हाँ, दरअसल कार्यक्रम का नाम था गांव गांव दलित संवाद कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम के दौरान नए नए समाजवादी बने हरिओम दयाल ने डॉक्टर अरविंद गुप्ता द्वारा बुलाए गए थे ने दलितों को जाति सूचक शब्द बोलकर भरी सभा में अपमानित किया और खुले तौर पर डॉक्टर अरविंद गुप्ता के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो, हम एकांत में ही नहीं भरे मंच पर खड़े होकर दलितों को दलितों के कार्यक्रम में एकत्रित करके जाति सूचक शब्द बोलेंगे। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नकली भंगी बन करके है, 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 नकली भंगी बन करके, नकली भंगी बन करके है, 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 नकली भंगी बन करके है। मैं आपको ये बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के पत्र दिनांक 22/11/12 क्रमांक 17/020/64/20/10 SCDPRL सेल के मार्फत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी कर हरिजन, भंगी, नट, कंजर आदि शब्दों के सरकारी कामकाज तक में इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखी है। जबकि भारत सूचना मंत्रालय ने इन शब्दों की जगह अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द बोलने या लिखने को आपराधिक माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट सूचना मंत्रालय के सबके आदेशों को दरकिनार कर जनपद फरुखाबाद में सपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता के कार्यक्रम में दलितों को एकत्रित कर उन्हें अपमानित किया गया। उस शब्द का इस्तेमाल भरे मन से किया गया, जिसको आमने सामने बोलने पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बड़ी ही हैरत वाली बात है कि डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने दलितों को सम्मान में दलितों को एकत्रित कर उनको अपमानित कराया, जबकि डॉक्टर अरविंद गुप्ता दलितों के बहुत बड़े हितैषी के रूप में जनपद में जाने जाते हैं। भरी सभा में दलितों के हुए अपमान से दलितों में काफी रोष व्याप्त है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।